गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण और विश्व के सबसे बेहतरीन लोकतंत्र में लोकतंत्र के मालिक जनता जनार्दन का मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बेसब्री से जिसके इंतजार में हम लोग यहां खड़े हैं, विगत 5 से 10 मिनट के बीच में सिवान की सभा समाप्त हो चुकी है और जन जन के नेता तेजस्वी यादव जी हम लोगों के बीच में 5 से 10 मिनट में आने वाले हैं। साथियों, ये जो आवाज है लोकतंत्र बचाने की आवाज है और बिहार की जनमानस, बिहार की आवाम विरोध अगर कर रही है तो 15 साल के शासन में बैठे हुए माननीय नीतीश कुमार और देश में बैठी हुई सरकार नरेंद्र भाई की नीतियों का विरोध बिहार की आवाम कर रही है। आप नौजवान साथियों से हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं, ऐ मेरे साथी, ऐ मेरे नौजवान दोस्त, जब समय आता है तो हम और आप भूल जाते हैं। याद रखना होगा मेरे साथियों, उस चीज को याद रखना होगा, यही सिवान की धरती देश। मेरा संभव नहीं है और बहुत हमारे साथी ऐसे होंगे जिनको बोलना था लेकिन अकेले मेरा हेलीकॉप्टर चल रहा है और नीतीश जी मोदी जी मेरे हेलीकॉप्टर के पीछे 30-30 हेलीकॉप्टर छोड़ रहे हैं। हम तो पेड़ की होली लगी है, सब पर भारी है। तो आप सब लोग शांति बनाओ, शांति। अरे 10 तारीख के नीतीश जी के विधायक तय है कि नहीं बताइए, गरीब का राज ला रहा है कि नहीं ला रहा है, किसान मजदूर का राज ला रहा है कि नहीं ला रहा है, नौजवान का सरकार बना रहा है कि नहीं बना रहा है। 15 साल से नवा लोग जानते नहीं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। कितना नौजवान यहाँ पे रोजगार है, हाथ उठा के दिखाओ, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। लोग पलायन कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, लोग इलाज के लिए अस्पताल के लिए पलायन कर रहे हैं, लोग रोजी रोटी नौकरी मजदूरी के एक भी सुई का भी कारखाना नहीं दिया गया बिहार को और महंगाई चरम सीमा पर प्याज का दाम शतक लगा रहा है, लगभग 80 के पार चला गया। इसलिए आप सब लोग एकजुट होइए और जिला दही की जनता भी ये बताइए, अमरजीत कुशवाहा जी को जिताना के लिए जिताना है, जिताना तो दुआ हाथ ऊपर करके बताइए जिताना। अमरजीत कुशवाहा जी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी जिला दही से चुनाव लड़ रहा है, इन बातों का ख्याल रखिएगा। ज्यादा पकाओ थकाओ भाषण देने नहीं है, आप लोग होशियार हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हमने संकल्प लिया था देश की स्थापना करते वक्त कि पहला अगर मेरा काम चलेगा मुख्यमंत्री रहते हुए, पहला मंत्रिमंडल की बैठक पे एक साथ देश के इतिहास के 10 लाख नौजवानों को टीका लगाना। आंगनबाड़ी महिला विकास मित्र सेवक पूरा सेवक स्वयं सहायक समूह जितने हैं इन सबको नियमित किया जाएगा और मानदेय को दुगुना से ज्यादा हम करने जा रहे हैं। ये विधवा पेंशन 400 से कम नहीं चलेगा, हमारी सरकार बनेगी 400 से 1000 विधवा पेंशन हम करने जा रहे हैं। कृषि ऋण माफ करने जा रहे हैं, बिहार सरकार बिजली का उत्पादन नहीं करती, वो खरीद एक फोटो ले पड़ा ना, 10 गो परिवार के वोट दिलाई आप किसानों को मजदूरों को नौजवानों का शोषण करने का काम किया गया। इसलिए आप सब गोल बन जाइए, नौजवान भाई 10
कार्रवाई हुई तो 10 तारीख के बाद रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। अगर रोजगार मिलना शुरू होगी, प्रक्रिया होगी, नौकरी का फॉर्म भरोगे तो फॉर्म फीस हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र तक जा पहुँच के नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, उत्थान की बात होनी।